नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में साथियों अपने राजस्थान जीके के जो राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं उनको देखेंगे वन लाइनर के रूप में। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए सम्मान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? तो आंसर है हीरालाल शास्त्री थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए सम्मान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? तो आंसर है हीरालाल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर हैं जो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। किससे संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो आंसर है मुख्यमंत्री। राज्य में संसदीय सचिव है जो किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो आंसर है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के ज्योति नगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया था? तो आंसर है 2001 में। राजस्थान विधानसभा के ज्योति नगर स्थित जो भवन है उसका लोकार्पण कब किया गया था? तो आंसर है 2001 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग में किया जा रहा था? तो आंसर है सवाई मानसिंह टाउन हॉल को। किसको? सवाई मानसिंह टाउन हॉल को उपयोग में लिया जा रहा था। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? तो आंसर है लाल कोठी जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? लाल कोठी जयपुर के अंदर है। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? लाल कोठी जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा है राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। आपसे पूछा है राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा नरोत्तम लाल जोशी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? तो आंसर है चतुर्थ विधानसभा में। राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? तो आंसर है चतुर्थ विधानसभा के अंदर है जो प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो आंसर है एक भी नहीं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, राजस्थान की प्रस्तावित विधानसभा परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आंसर है 66। यानी राजस्थान के अंदर जो विधानसभा प्रस्तावित है उसके अंदर अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आंसर है 66 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 169। आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 159 के तहत। आगे है, राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं? ये तो आपको पता है 25 हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, कितने सदस्य चुने जाते हैं संसद में? राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में। तो आंसर रहेगा 35। आगे है साथियों, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था? तो 1952 से 1957। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का समय क्या था? 1952 से 1957। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था? 1952 से 1957।
आगे है राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था, तो आंसर है 1952 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1952 के अंदर हुआ था। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो आंसर है 160। राजस्थान की जो पहली विधानसभा है उसमें कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो आंसर होगा 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। आगे है 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी, तो आंसर है 20। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी, तो आंसर है 20 सीटें थी। आगे है किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधान सभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी, तो आंसर है 6 में। आपसे पूछा है किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी, तो आंसर होगा 6 विधानसभा के अंदर। आगे है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, तो आंसर है 129। आपसे पूछा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, तो आंसर होगा 129 होता है साथियों। आगे है राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, तो यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर होगा सुमित्रा सिंह है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर है सुमित्रा सिंह है, जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी साथियों। आगे है राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था, तो आंसर है कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था, तो आंसर है कमला बेनीवाल। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा, तो आंसर है हरिदेव जोशी। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधानसभा का सदस्य रहा, तो आंसर है हरिदेव जोशी। आगे है राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो आंसर है 4। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों सुबह आपको डेली 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है और उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स का भी सेशन आपको मिलता है। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए आप हमसे, वहां पर आपको डेली राजस्थान जीके व इंडिया जीके ऑनलाइनर के रूप में मिलेगा। इसके अलावा वहां पर जो भी सरकारी वैकेंसी आती है उसकी जानकारी सर के द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। धन्यवाद साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स से जुड़े रहिएगा।